अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वरदान्स फूडी किचन। और आज मैं आपके साथ डोमिनोज स्टाइल चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग डो बना कर लेंगे, और डो बनाने के लिए हमको चाहिए, यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, ये एक टीस्पून जितना यहाँ पर ड्राई ईस्ट है, 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर शुगर है, 5 टेबलस्पून ऑयल है, और ये 1/4 कप यहाँ पर मिल्क है, और ये बड़े से बाउल में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ड्राई ईस्ट और ये शुगर डाल के इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा फूलने के लिए रख दूंगी। ये मैदे में थोड़ा सा हम लोग सॉल्ट भी ऐड करेंगे। फाइव मिनट हो गए और थोड़ा सा फूल गया है ये, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें ये मैदा डालेंगे। साथ ही ये मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ऑयल डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा एक डो बना के लेंगे। मैंने आटा गूंद लिया है, ऊपर से ऑयल भी लगा लिया है। अब मैं इसको अच्छे से कवर कर 2 घंटे के लिए साइड में रख दूंगी। 2 आवर्स हो गए हैं और हमारा डो था ये अच्छी तरह से राइज हो गया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसको जितनी भी एयर है इसके अंदर, इसको अच्छे से गूंद के इसकी जितनी भी एयर है वो हम लोग एयर को रिमूव करेंगे। मैंने इसको अच्छे से गूंद के पूरी एयर निकाल ली हूँ। अब हम गार्लिक ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमको चाहिए, यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है मेल्टेड बटर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, यहाँ पर है चीज़ और हमारा गूंदा हुआ आटा, और यहाँ पर मैंने एक प्लेट को पहले से ही घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मेल्टेड बटर में ये डालेंगे गार्लिक और ये हरा धनिया, इसको मिक्स करके लेंगे पहले, और इसको मिक्स करके हम लोग साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये जो मैंने ग्रीस करके यहाँ पर एक प्लेट रखी हूँ, और ये हमारा बनाया हुआ डो है, इसको हम लोग ये पहले ये प्लेट के ऊपर ये फैला कर लेते हैं। मैं आपको फैला कर दिखाती हूँ। इसको मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है ऐसा। अब हमने जो ये गार्लिक का मिक्सचर बना कर रखे है ये इस पर स्प्रेड करेंगे, पूरा ऐसा स्प्रेड करेंगे। मैंने ऐसा इसमें स्प्रेड कर लिया है। थोड़ा सा मैं अभी इसमें चीज़ डालूंगी, चीज़ भी डाल के लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ओरिगैनो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, और इसको पॉकेट के जैसा बंद करेंगे। और अब जो ये बचा हुआ यहाँ पर ये है, इसको यहाँ पर हम लोग ऊपर लगाएंगे। मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। मैं अभी इस पर थोड़ा सा ये ओरिगैनो स्प्रेड करूँगी, और ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँ, स्प्रेड कर दूँगी इस पर। मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, गार्लिक का मिक्सचर भी और यहाँ पर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी। अब मैं इसमें हल्का हल्का सा कट लगाऊंगी, कट नहीं करना है, सिर्फ कट लगाना है हमको, सिर्फ कट लगाना है बस ऐसे। और यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में यहाँ पर सॉल्ट डाल के यहाँ पर स्टील की प्लेट रख दी हूँ, ये 5 मिनट प्री हीट करके इसके अंदर मैं यहाँ पर ये रख दूंगी। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें ये रख दिया है, मैं इसको ढककर 40 मिनट के लिए इसको बेक करूंगी। 40 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 40 मिनट हो गए हैं, तो अभी चेक करते हैं। ये हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड बन के रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये हमारा डोमिनोज स्टाइल चीज़ी गार्लिक ब्रेड बन के रेडी है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी एंड द वे आई कुक, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।